नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 20 जनवरी 2020, और यहां पर मैं अपना स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे। देखेंगे हम लोग कौन सा स्टॉक्स जो मैंने 3 स्टार में दिया था, साथ ही मैंने जो टेलीग्राम पे सुबह में पोस्ट किया था। आज मैंने लाइव में कोई कॉल नहीं दिया, ना ही मैंने कोई लाइव ट्रेड किया है दोस्तों, क्योंकि एक तो कुछ काम भी था, दूसरा मेरा विप्रो और यूनियन बैंक का चार्ट इसमें सही से नहीं आ पा रहा था, तो आज मैंने अपने वेंडर से इसको पूरा सही करवा लिया। अब सारे चार्ट इसमें आ गए, ठीक है। उस वक्त पहले आपने देखा होगा निफ्टी आईटी और बैंकिंग वाले में, विप्रो का बैंक आईटी वाले में नहीं आ रहा था चार्ट पूरा क्लियर, और यूनियन बैंक का भी चार्ट बैंकिंग वाले सेक्टर में नहीं आ रहा था, तो उसको मैं ठीक करा रहा था, जिसके वजह से मैं आज लाइव में कोई ट्रेड नहीं कर पाया। और दूसरी बात कि मैंने कोई कॉल्स भी टेलीग्राम पर लाइव में पोस्ट नहीं किया, हाँ मार्केट ओपन होने से पहले जरूर मैंने पोस्ट किया हुआ था। तो चलिए परफॉर्मेंस एनालिसिस देखते हैं, स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू। सबसे पहले 3 स्टार का देखेंगे, तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक को मैंने दिया हुआ था 3 स्टार में। आईसीआईसीआई बैंक में देख लेते हैं कौन स्टॉक आपको टारगेट आया या लॉस कटा है, क्या हुआ है। 5 मिनट का चार्ट, और हम लोग यहाँ 5 मिनट में, ये पहली कैंडल है, कहाँ गया 5 मिनट में, यहाँ है पहली कैंडल 9:00, हाँ ये पहली कैंडल इग्नोर करते हैं हम लोग, जैसा कि रूल है 535 के ऊपर हमें बाय करना था, तो 535 के ऊपर आपने देखे शायद इस कैंडल पे आपको बाय ऑर्डर लग गया है, इस कैंडल पे, है ना, इस कैंडल पे बाय ऑर्डर लग गया। और इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस था दोस्तों, वो हम देखना चाहेंगे 531 का था। स्टॉक ने देखिए 531 का लो नहीं लगाया, बल्कि इस कैंडल का अगर लो हम लोग देखेंगे तो इसका लो है 531.35, जैसा कि आप बॉक्स में देख पा रहे हैं। तो स्टॉप लॉस बच गया, और उस कंडीशन में हमारा जो टारगेट था 539 का था, जो कि आपको यहाँ पे अचीव हो गया, और दूसरा टारगेट 543 का था, जो कि आपको यहाँ पे कहीं पे अचीव हो गया। तो दो टारगेट इसने डन कर दिए। सेल करना था 530 के नीचे, तो 530 के नीचे आया ही नहीं, तो आईसीआईसीआई बैंक में दो टारगेट सक्सेसफुल हो गए। दूसरा स्टॉक मैंने अडानी पोर्ट का दिया हुआ था दोस्तों, तो अडानी पोर्ट का भी देख लेते हैं हम लोग कि अडानी पोर्ट में क्या हुआ। ये पहली कैंडल है और इसको इग्नोर करते हैं, 390 के ऊपर बाय करना था, सेकंड कैंडल से 390 के ऊपर गया ना तो बाय नहीं हुआ, 385 के नीचे सेल करना था, तो आपको यहाँ कहीं पे 385 के नीचे 385 यहाँ इस कैंडल पे आपने सेल किया है 385 पे, और इस कंडीशन में जो पहला टारगेट था 382 रुपये का, वो आपको यहाँ कहीं पे अचीव हो गया 382 का टारगेट। दूसरा टारगेट 379 रुपये का था, तो वो भी आपको कहीं यहाँ पे 379 ये अचीव हो गया। तो दो टारगेट इसने भी आपको अचीव करके दे दिए, आईसीआईसीआई बैंक में दो टारगेट और अडानी पोर्ट में दो टारगेट आ गए। तीसरा स्टॉक मैंने एमएनएम फाइनेंस का दिया था दोस्तों, तो उसका भी रिजल्ट हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। एमएनएम फाइनेंस को बाय करना था, पहली बात देख ले 362 के ऊपर, 362 के ऊपर गया नहीं तो बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। सेल करना था 357 के नीचे, यानी कि 357 यहाँ पे आपने सेल करना था। इस कैंडल पे आपका सेल हो गया जी बिल्कुल, और इसी कैंडल पे सेल हो गया, स्टॉप लॉस तो नहीं कटा। पहला टारगेट था 354 रुपये का, तो ये देखिए 354 का यहाँ पे आपको टारगेट डन हो गया। दूसरा टारगेट 351 का था, तो यहाँ आपको टारगेट डन हो गया 351 का टारगेट डन। इसने भी दो टारगेट आपको अचीव करके दे दिया। तो तीनों जो 3 स्टार में मैंने कॉल दिए हुए थे, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी पोर्ट, एमएनएम फाइनेंस, ये डन हो गया। अब मैं टेलीग्राम में देख लेता हूँ जो सुबह, या अपने वेबसाइट पे जो मैं पोस्ट करता हूँ, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ देखिए दोस्तों, टेलीग्राम पर मैंने सुबह में लिंक पोस्ट किया था 7:17 पे, उसके बाद मैंने लगभग 8:30 चूंकि मैं अपना सिस्टम ठीक कराने लग गया, वही डाटा वगैरह सब, तो उसके लिए मैंने ट्रेडिंग नहीं किया आज, पूरा दिन भर उसी में लग गया। तो यहाँ जो मैंने लिंक पोस्ट किया था, इसमें जब क्लिक करेंगे तो मेरे वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाता है, और इसमें 3 स्टॉक्स मैंने दिए हुए थे आपको, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एस्कॉर्ट्स और कोलपाल। इस तीनों को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट हमारा आया। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमने दिया हुआ था इसमें किसका, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का, तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। तो ये पहली कैंडल कहाँ गया, 20 तारीख की ये पहली कैंडल इग्नोर हो गया, और बाय करना था 484 के ऊपर, तो देखिए बिल्कुल सेकंड कैंडल 484 से ही निकलता है, बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया, और इस कंडीशन में पहला टारगेट 487 का था, जो आपको यहाँ अचीव हो गया। दूसरा टारगेट 490 का था, जो कि यहाँ अचीव हो गया, लगभग यहाँ पे अचीव हो गया, और तीसरा टारगेट जो था 493 का था, वो भी आपको यहाँ पे अचीव हो गया। तीनों टारगेट ऐसे से प्रू लाइफ के डन हो गए। सेल करना था 480 के नीचे, तो 480 के नीचे आया नहीं, तो सेल ऑर्डर हमारा हुआ ही नहीं। तो अब दूसरा स्टॉक था एस्कॉर्ट का, इसके बाद जो था वो एस्कॉर्ट का स्टॉक था, तो एस्कॉर्ट को भी हम लोग देख लेते हैं।
एस्कॉर्ट की ये पहली कैंडल, और बाय करना था दोस्तों हमें 710 के ऊपर। तो यहाँ पे 710 को हम लोग देख लेते हैं कहाँ गया, 710 710 710 का आज इसने हाई अभी तक 710 यहाँ पे तो नहीं लगा है, तो हमारा उसको बाय नहीं हो पाया। 700 के नीचे सेल करना था, 700 700 700 700, हाँ यहाँ पे आपने कहीं पे सेल किया 700 के नीचे। इस कंडीशन में आपका जो टारगेट था 695 का था, 695 का टारगेट नहीं लगाया बल्कि 697 का लो लगाया और वहां से रिटर्न करके हमारा स्टॉप लॉस काट दिया, 705 रुपये का हमारा एसएल यहाँ पे कहीं काट दिया, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हमारा कट गया। लेकिन अगेन अगर 710 के ऊपर आपने यहाँ कहीं पे लिया है 710 पर, तो उस कंडीशन में जो टारगेट था हमारा पहला, वो टारगेट था लगभग 715 रुपये का, तो स्टॉक ने एक टारगेट डन कर दिया, यानी कि सेल में अगर आपको इसमें लॉस हुआ तो आपको बाद में बाय साइड में प्रॉफिट हो गया। कोलपाल की बात कर लेते हैं, तो कोलपाल में हमने देखा कौन सा लेवल आया था हमारा, एक मिनट दोस्तों, कोलपाल, या कोलपाल को बाय करना था 1520 के ऊपर। 1520 के ऊपर देखिए यहाँ पे आपने कहीं बाय लिया और वो आपका एसएल काट गया, ऊपर का टारगेट 1527 था, नहीं जा पाया, 1525 से लौट आया और आपका स्टॉप लॉस कट गया, लगभग जो है 1513 का था वो स्टॉप लॉस कट गया। सेल करना था 1506 के नीचे, तो आपने फिर यहाँ कहीं पे सेल किया होगा 1506 के नीचे, इस यहाँ पर इस कंडीशन में टारगेट जो था 1499 का था वो आपको यहाँ पे अचीव हो गया। दूसरा टारगेट जो था 1492 का था, इसने लो लगाया 1495, तो इसने भी अगर आपको बाय साइड में लॉस दिया तो सेल साइड में प्रॉफिट दिया। तो आपने ओवरऑल जो बढ़िया प्रॉफिट किस में कमाया, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में, आईसीआईसीआई बैंक में, अडानी पोर्ट में, एमएनएम फाइनेंस में, एस्कॉर्ट में, है ना, ये सब में आपने प्रॉफिट कमाया। कोलपाल में एक साइड का स्टॉप लॉस कटा, दूसरे साइड का टारगेट आया, साथ ही एस्कॉर्ट में भी एक साइड का स्टॉप लॉस कटा, दूसरे साइड का टारगेट आया। तो ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। आज लाइव मार्केट में मैं कॉल नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी फॉर दिस, माफी चाहता हूँ, कल से मैं फिर अवेलेबल रहूंगा। तो अगर वीडियो अगर एनालिसिस ईमानदारी से क्या आपको लगता है स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।